हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मर के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टोड्यूस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द फर्मेंटर एंड इट्स डिज़ाइन सो जो फर्मेंटर कि जिसको हम कहते हैं द हार्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस तो उसकी डिज़ाइन के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि वॉट इज फर्मेंटर उसके कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं किस तरह से ये फर्मेंटर की डिजाइन जो है वो डेवलप होती है और किस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं वगैरह के बारे में हम आज के ये लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एमप्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर सभी आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर से मिल जाएगी सो डाउनलोड द ऐप फार्मारोक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर सो फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर से भी मिल जाएगी एज वेल एज एप्पल ऐप स्टोर पर से भी मिल जाएगी कि जो एप्पल आईफोन यूजर है आईपैड यूजर है वो सभी जो है वो ये ऐप को एक्सेस कर सकते हैं आईफोन या फिर आईपेड के अंदर तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई हुई है सो अभी चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स सो सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल जीपेट टेस्ट सीरीज फार्मासिस्ट वीडियो लेक्चर ड्रग इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज ऑल्सो द स्टडी मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइस ऑन अवर ऐप सो मस्ट डाउनलोड दामा रॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एंड ऑल्सो कैन डाउनलोड इट्स फ्रॉम एपल आई फॉन एप स्टोर सो टूडे वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द फॉर्मेंटर तो उससे पहले बेसिकली आपको उसकी जो डेफिनेशन है फॉर्मेंटेशन की वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है कि डिफाइन फॉर्मेंटेशन एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस पार्टस ऑफ ए फर्मेंटर और डिजाइन ऑफ ए फर्मेंटर या फिर उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है प्लस कुछ पॉइंट्स ऐसे ही कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी काफी आई है तो सभी को हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मेंटेशन की डेफिनेशन से तो फर्मेंटेशन क्या है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट प्रोड्यूस द केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रैक्ट थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम तो फर्मेंटेशन के लिए क्या होता है सबसे पहले मैं एक सिंपल आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ सिंपल में तो ये देखो कि समझो कि जो भी प्रोडक्ट का मुझे फॉर्मेंटेशन करना है वो मेरे लिए बन जाएगा फीड मटेरियल या फिर उसको मैं कहूँगा मेरा स्टार्टिंग मटेरियल तो ये मुझे स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए प्लस साथ में मुझे कोई चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जिसको मैं कहूँगा शॉर्ट में माइक्रोब्स की मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत पड़ेगी फर्मेंटेशन करवाने के लिए अब यह मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करूंगा तो वो तो क्या है एक टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण उनको सर्वाइव करवाने के लिए प्लस उनका ग्रोथ करवाने के लिए मैं यूज करूंगा फर्मेंटेशन मीडिया मैं क्या यूज करूंगा फर्मेंटेशन मीडिया तो शुरुआत में तो मुझे जो भी मेरी चीज़ का जो भी मेरा कंपाउंड है उसका मुझे जो फर्मेंटेशन करवाना है कि लाइक यहाँ पे जो एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन का उसके अंदर है शुगर तो यही सोच ले थे कि यहाँ पे मेरे पास सुगर है बट उसका फर्मेंटेशन जो मुझे करना है तो वो मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है अब उसके लिए मुझे जो बेसिक रिक्वायरमेंट में चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म की प्रॉपर मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम की जरूरत पड़ेगी फर्मेंटेशन करवाने के लिए तो फर्मेंटेशन के लिए मैं समझो कि यूज करता हूँ यीस्ट तो ये यीस्ट के ग्रोथ के लिए जो मैं यीस्ट यूज कर रहा हूँ उसके ग्रोथ करने के लिए उसको सर्वाइव करवाने के लिए मैं यूज करूँगा सुटेबल फर्मेंटेशन मीडिया और जिस तरह मुझे की मुझे कंडीशन चाहिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एब्सेंस में मैं काम करूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहा हूँ और मुझे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी कि ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी और वो प्रोड्यूस करके देगी केमिकल चेंजेस कि शुगर के अंदर केमिकल चेंजेस होके मुझे लास्ट में एक फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगी और वो है मेरे लिए इथेनॉल या फिर मुझे मिल रहा है अल्कोहल तो ये मेरे लिए है डिज़ायर्ड एंड प्रोडक्ट डिज़ायर्ड एंड प्रोडक्ट या फिर डिज़ायर्ड फाइनल प्रोडक्ट की जो मुझे डेवलप करनी थी साथ में मुझे मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पर वो तो है बाय प्रोडक्ट है इसलिए मैं उसको साइड में लिखता हूँ जस्ट कि प्लस सी ऑटो बट इट वॉज अ बाय प्रोडक्ट तो मेन मेरा जो फीड मटेरियल था वो एंड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ एंजाइमेटिक चेंजेस के कारण ड्यू टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट तो ये है सिंपल फर्मेंटेशन तो कभी भी आपको कोई एम सी क्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कोई वाइवा में आपको क्वेश्चन करे या फिर किसी इंटरव्यू में भी आपको कोई पूछता है कि वॉट इज़ फर्मेंटेशन तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है तो बेसिकली फर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल के लिए सुटेबल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस साथ में हम यूज करेंगे फर्मेंटेशन मीडिया और ये सभी के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए जिसको हम कहते हैं फर्मेंटर कि मैंने ये स्टार्टिंग मटेरियल तो सब कलेक्ट कर लिया बट बिना फर्मेंटर के मैं फर्मेंटेशन नहीं करवा सकता इसीलिए फर्मेंटेशन के अंदर फर्मेंटर का इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए उसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस कि फर्मेंटर को हम कहते हैं हार्ट तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए न्यूट्रिएंट मीडिया कि जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन मीडिया बाय मेंटेनिंग फिजिकोकेमिकल कंडीशन एंड देयर बाय कन्वर्टिंग द फीड इनटू डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट की जो हमारा फीड था वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ जैसे कि मेरे पास ये है यीस्ट कि जो मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म है फिर मेरे पास है शुगर कि जो मेरा पास ये है मेरा फीड या फिर वो है मेरा स्टार्टिंग मटेरियल उसके लिए फिर यीस्ट के लिए मैं प्रॉपर तैयार करके रखता हूँ फर्मेंटेशन मीडिया तो ये यीस्ट सुगर प्लस फर्मेंटेशन मीडिया ये तीनों का मैं बना देता हूँ एक कंपोजिशन या फिर मिक्सचर वो मिक्सचर को अब मैं ऐड करता हूँ ये फर्मेंटर के अंदर कि यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि माइक्रोब्स एयर एंड न्यूट्रिएंट इन तो ये है उसका इनलेट तो ये इनलेट से मैं मेरा जो फीड मटेरियल है उसको मैं उसके अंदर एड करता हूँ इनलेट के अंदर और फिर जो अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं कि हीटिंग एंड कूलिंग के लिए दिया हुआ है गैस आउटलेट्स दिए हैं कंप्यूटर सिस्टम है कि जिससे आप पूरा उसको ऑपरेट कर सकते हैं और जब फर्मेंटेशन का जो टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो मुझे शुगर के फर्मेंटेशन से मिलेगा अल्कोहल और जो गैस प्रोड्यूस होगा गैस आउटलेट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा तो जो मुझे अल्कोहल मिला है उसको मैं अच्छे से सेपरेट करवा लूंगा एक्सट्रैक्ट कर करवा लूंगा प्रॉपर उसका प्यूरिफिकेशन करवाऊंगा स्टरिलाइजेशन एंड स्टोरेज एंड सप्लाई तो इस तरह से मैं ये जो प्रोसेस है वो फॉलो करता हूँ फर्मेंटेशन के अंदर कि ये है उसके बेसिक स्टेप तो फर्मेंटेशन की जो टेक्नोलॉजी है कि जो हम क्यूब यूज करते हैं तो समझो कि हमें कोई फूड प्रोडक्ट्स बनानी है फार्मास्यूटिकल्स डेवलप करने हैं अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस डेवलप करने हैं तो लार्ज स्केल पे जब मुझे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए मैं फर्मेंटेशन यूज़ करूँगा और शुगर या फिर ग्लूकोज को मैं फ़र्मेंटेशन करवा के लास्ट में अलग अलग प्रोडक्ट्स और स्पेशली जो अल्कोहल है इथेनॉल वगैरह डेवलप कर सकते हैं एटलीस्ट दस हजार साल से भी पुरानी ये टेक्निक है तो फर्मेंटेशन करना है किसी भी चीज़ का तो क्या चाहिए हमें तो फर्मेंटर की जरूरत है बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए हुए वो है फर्मेंटर उसके बाद न्यूट्रिशनल मीडिया ऑफ फर्मेंटेशन फॉर ग्रोविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने के लिए हमें चाहिए फर्मेंटेशन मीडिया फिर क्वान्टिनेसन फ्री एनवायरमेंट चाहिए कि जिससे हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोईपन प्रकार का किसी भी प्रकार का क्वान्टिनेशन uh, ना हो टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए हम प्रॉपर उसके अंदर कंट्रोल सेटअप करेंगे फिर टेम्परेचर uh, मेंटेन करने के लिए उसका प्रॉपर कंट्रोलिंग हो सके वो हम सेटअप करवाएंगे उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एजिटेशन एरेसन एंड पी एच कंट्रोल तो ये सब सेटअप्स कराना जरूरी है उसके बाद फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर जो डीजल हुआ जो ऑक्सीजन है कि ये जो मीडिया है जो टैंक के अंदर उसके अंदर जो ऑक्सीजन डीजल होता है उसका भी लेवल जो है वो हम चेकअप करवाते हैं तो फर्मेंटर तो द हार्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस इज द फर्मेंटर कि जो हमारा फर्मेंटर है उसको हम क्या कहते हैं हार्ट ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस कि ये हमारा हार्ट है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट एक काफी कींग ऑर्गन बन जाता है कि बिना हार्ट के पेशेंट जो है वो जीवित नहीं रह सकता ऐसे ही जो बिना फर्मेंटर के फर्मेंटेशन भी पॉसिबल नहीं है तो हार्ट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस और उसको हम बायो रिएक्टर भी कहते हैं तो अगर समझो कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा पूछा जाए कि राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन बायोरिएक्टर और डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द बायो रिएक्टर तो उस वक्त आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो है फर्मेंटर है बिकॉज बायो रिएक्टर इज इक्वल टू फर्मेंटर बिकॉज दोनों जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम से दोनों एक दूसरे के सामान्यार्थी शब्द है बायो रिएक्टर इज इक्वल टू फर्मेंटर तो फर्मेंटेशन प्रोसेस रिक्वायर्स ए फर्मेंटर फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ ए वेरियस प्रोडक्ट की जब हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है सक्सेसफुली और उसके अंदर मेन मेकेनिज्म इन्वॉल्व है फर्मेंटेशन की तो फर्मेंटर हमारे लिए बन जाएगा मेन बेजिक इक्विपमेंट सो फर्मेंटर इज अ लार्ज वेसल फर्मेंटर क्या है तो एक लार्ज वेसल है कंटेनिंग कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिय मीडिया बाय मेंटेनिंग द फेवरेबल कंडीशन कि यहां पे एक स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ आप ये फर्मेंटर देख सकते हैं ये वाला तो मैं ये जो आपको दिखा रहा हूं ये है उसका टैंक ये जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ टैंक है कि जिसके अंदर फील किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस जो भी हमारा फीड मटेरियल है उसको हम यहाँ पे उसके अंदर अच्छे से सेटअप करके उसके अंदर जो भी हमें फेवरेबल कंडीशन डेवलप करनी है वो कंडीशन उसके अंदर सेटअप कर लेंगे तो ये है फॉर्मेंटर अब क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राइट इस्ट ऑन आइडियल फर्मेंटर प्रॉपर्टीज क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डिफाइन डिफाइन फर्मेंटर एंड फर्मेंटेशन तो आप सबसे पहले जो हमने आगे के स्लाइड्स में देखा इस तरह से पूरा डेफिनेशन अच्छे से लिखोगे कि फर्मेंटर एंड फर्मेंटेशन की एंड फिर क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द वेरियस आइडियल फॉर्मेंटर प्रॉपर्टीज कि अब जो भी हम फॉर्मेंटर यूज करते हैं उसकी कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेंटर्स होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत लार्ज स्केल के होते हैं कुछ छोटे लैब स्केल के होते हैं या फिर कुछ मीडियम साइज के पायलट प्लांट के लेवल के होते हैं तो फॉर्मेंटर ऐसा होना चाहिए कि क्या करें सपोर्ट करें मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज़म कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसकी मैक्सिमम ग्रोथ करवाने में हमारा जो फर्मेंटर है वो हेल्प करे सेकंड है असेप्टिकल ऑपरेशन कि जो भी हमारा प्रोसेस होनी चाहिए वो असेप्टिकल होनी चाहिए मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स या फिर फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पायरोजन और एनी टाइप ऑफ हार्मुल बैक्टीरिया वायरस और फंगाई टाइप ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो असेप्टिकल कंडीशन में ऑपरेशन होना चाहिए एडिक्यूएट एरेसन एंड एजिटेशन की प्रॉपर एरेसन मिलना चाहिए कि जो ऑक्सीजन की जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन या फिर एयर वो प्रॉपरली मिलनी चाहिए ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन की जिसको हम कहते हैं एरेसन और एजिटेशन की जो एक टाइप का है मिक्सिंग हम कह सकते हैं मिक्सिंग करवाना प्रॉपरली प्लस उसके अंदर मूवमेंट कराते रहना उसके अंदर प्रॉपर मूवमेंट कराते रहना ये प्रोसेस बन जाती है एक एजिटेशन के उसके बाद है कि लो पावर कंज़प्शन कि जो भी हमारा फर्मेंटर है वो ऐसा होना चाहिए कि काफी कम पावर कंजम्पन्स करे तो वो भी एक बेनिफिट है कि जब आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो लो पावर कन्ज्पसन से जो पावर कॉस्ट या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट वो जो है वो आप रिड्यूस करवा सकते हैं तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग द आइडियल प्रॉपर्टीज के लो पावर कंजपस करना चाहिए हमारा फर्मेंटर फिर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम उसके आइडियल प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए कि जो भी फर्मेंटर है उसके अंदर आइडियली टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम देनी चाहिए पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैंपलिंग की फैसिलिटीज़ की जो भी साइज़ का फर्मेंटर है बट उसके अंदर सैम्पलिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए टू कलेक्ट द सैंपल कि जब हमें सैम्पल कलेक्ट करने हैं फॉर टेस्टिंग तो उसके लिए फर्मेंटर के अंदर सैंपलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ से आप सैंपलिंग कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद प्रॉपर फर्मेंटेशन हो रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैंपलिंग के लिए पॉट देने चाहिए कि वहाँ से आप सैंपलिंग जो है वो इजीली कर सके उसके बाद मिनिमम इवापोरेशन लॉस कि जब हम फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस करते हैं तो इवापोरेशन से जो कुछ प्रोडक्ट लॉस होती है वो नहीं होनी चाहिए अगर होती है तो भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं होना चाहिए बिकॉज ये देखो कि ये है नीचे वाला मेन टैंक टैंक के ऊपर ये है कवर तो कवर ऐसे कंप्लीटली प्रॉपर सील होना जाना चाहिए कि एयर टाइट रहना चाहिए कैसा एयरटाइट कि जिससे कारण आप रिड्यूस करवा सके इवापोरेशन रेट बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट के लाइक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है कोई भी लाइक अल्कोहल आप बना रहे हैं तो जब प्रोडक्शन होता होगा अल्कोहल का उस वक्त समझो कि इवापोरेशन रेट भी ज्यादा हाई है तो जैसे अल्कोहल बनता जाएगा साथ में उसका होता जाएगा इवापोरेशन तो ऐसा होगा कि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट की जो ये आपने टारगेट किया था कि सुगर के फर्मेंटेशन करके मैं एटलीस्ट जो अल्कोहल डेवलप करूंगा उसकी येल्ड मुझे मिलेगी 70 से लेकर 80 परसेंट जितने यहां पे प्रॉपर सेटअप नहीं किया था फर्मेंटर का और यहां पे था लीकेज और यह लीकेज ऐसा था कि जो इवापोरेशन करवा देता था जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका और समझो कि एटलीस्ट फिफ्टी या सेवेंटी परसेंट जितना अल्कोहल आपका इवापोरेट हो गया है तो आप जो सोच कर बैठे थे कि मुझे सेवेंटी से लेकर 80 परसेंट जितनी जो प्रोडक्ट मिलेगी उसके बजाय वो शायद आपको दस से लेकर बीस टका और ज़्यादा से ज़्यादा थर्टी परसेंट तक ही मिलेगी उसका मतलब क्या हुआ कि इवापोरन से इवापोरेसन्स के कारण आपकी जो भी प्रोडक्ट थी वो हो गई लॉस हो गई तो भले आपने खर्चा किया स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया पावर कंज करवाया न्यूट्रिशनल मीडिया यूज़ किया बट आपके हाथ में लास्ट में प्रोडक्ट तो आती है सिर्फ दस से लेकर बीस ही टका तो उसके लिए एक ही आपके एरर रह गई थी वो था इवापोरेशन लॉस तो आप आइडियली ऐसा फार्मेंटर डिजाइन करोगे कि जिससे कारण इवापोरेशन से जो लॉस होती है प्रोडक्ट वो ओनली ज़्यादा से ज़्यादा वन परसेंट जितना ही हो कि आपकी प्रोडक्ट यील्ड 80 परसेंट मिलती है तो इवापोरेसन शायद 1 परसेंट लॉस हो तो आपको 79 परसेंट मिले या फिर 2 टू 3 परसेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 77 परसेंट तो प्रोडक्ट आपको मिले ही तो मिनिमम इवापोरेशन लॉस होना चाहिए प्रोडक्ट का ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन तो इस तरह से आपका आइडियल फर्मेंटर तैयार होना चाहिए फिर मिनिमम यूज ऑफ लेबर ऐसा नहीं कि एक ही फर्मेंटर को यूज़ करने के लिए हम बहुत सारे लेबर्स को यूज़ करें मिनिमम लेबर से हमारा काम चल जाए प्लस ऐसा होगा तो आप उसको ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप कराएं कंप्यूटर सिस्टम उसके साथ सेटअप करवा सकते हैं कि जिससे आप कंप्यूटर या लैपटॉप से डायरेक्टली उसका ऑपरेटिंग कर सके प्लस रेंज ऑफ प्रोसीज की रेंज की अलग अलग रेंज के अंदर आप प्रोसेस कर सके कि लाइक लार्ज स्केल पे भी कर सके मीडियम स्केल पे भी कर सके एंड आप जो है वो स्मॉल स्केल पे भी वो प्रोसेस कर सके तो इसकी रेंज ऐसी होनी चाहिए कि अलग अलग रेंज पे आप फार्मेंटर को ले जा सके कि समझो कि यही डिज़ाइन आपको स्मॉल स्केल के लिए चाहिए तो स्मॉल स्केल के लिए भी वो डेवलप हो जानी चाहिए सेम्स बी डेवलप फॉर मीडियम एंड ऑल्सो फॉर द लार्ज साइज तो ये रेंज ऑफ प्रोसेस काफी हाई होनी चाहिए अलग अलग रेंजेस पे वो अवेलेबल होना चाहिए जिसके कारण समझो कि किसी को स्मॉल फार्मेंटर चाहिए सिर्फ रिसर्च के लिए या फिर लेबोरेटरी पर्पज के लिए तो वो स्मॉल फार्मेंटर यूज कर सके किसी को पायलट प्लांट के लिए मीडियम चाहिए तो मीडियम और जब इंडस्ट्रियल स्केल पे आपको काम करना है तो उस वक्त भी वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए तो वो बन जाते हैं आइडियल फर्मेंटर की एक प्रॉपर्टी उसके बाद जो अंदर की जो सरफेस होती है इंटरनल सर्फेसिस होनी चाहिए स्मूथ स्मूथ इसलिए कि जो प्रोडक्ट है वो इजीली रिकवर हो जाए बिकॉज समझो कि ऐसी रफ सर्फेसिज होगी तो क्या होगा कि रफ सर्फेसिस के अंदर जो मटेरियल जो है वो कई बार स्टीक हो जाता है मटेरियल वो जो जगह होती है वहां पे एक्यूमलेट होता है तो प्रॉपर रिकवर नहीं करवा सकते मटेरियल के जो रेसिड्यू कई बार स्टीक हो जाता है कि समझो कि सरफेस होगी आपकी रफ तो रफ सरफेस नहीं होनी चाहिए स्मूथ सरफेस होनी चाहिए कि जिससे प्रोडक्ट जो है वो इजीली उसमें से कंप्लीटली रिमूव हो जाए ना ही कोई स्टीक हो ना ही कोई अदरेंस हो और क्लीनिंग के दौरान भी आप इसको इजीली क्लीन कर सके सिमिलर इन जियोमेट्री टू बहुत स्मॉलर एंड लार्ज वेसल इन पाइलॉट प्लांट कि स्मॉलर वेसल हो या फिर लार्ज वेसल आपका जो फॉर्मेंटर की जो जियोमेट्री है वो सिमिलर रहनी चाहिए चीपेस्ट मटेरियल यूजेस की जो अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए ये बात हम क्यों करते हैं बिकॉज अफोर्डेबल फॉर्मेंटर हम बना सके इसलिए कि जो भी आ, उसको यूज़ करना चाहता है अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए तो ये जो फर्मेंटर है वो अफोर्डेबल हो इसके लिए जो मटेरियल भी आप इस तरह से यूज़ करिए एंड एडिक्यूट सर्विस प्रोविजंस कि उसके रिलेटेड जो सर्विसेज मेंटेनेंस उसके रिलेटेड भी प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए उसके बाद प्रोविज़न फॉर कंट्रोल ऑफ क्वान्टिनेस कि कई बार क्वान्टिनेसन होता है उसके अंदर तो जितना हो सके काम आप मैनुअल के बजाय ऑटोमेटिक करवाओगे कि ऑटोमेटिक प्रोसेस हो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हो तो उससे आप कंटामिनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो कंटामिनेशन होता है कि जितना मैन्युअल काम होगा उतनी ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होगी ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होंगे तो कंटामिनेशन भी ज़्यादा होगा तो बेटर है कि आप कम मैन पावर से काम कर लेते हो प्लस ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप करते हो एंड इस तरह से प्रॉपर आपने कंट्रोलिंग आप उसके अंदर सेटअप करवाए कि जिससे कंटामिनेशन बहुत ही कम हो तो वो आपके लिए बन जाता है काफी बेनिफिशियल फिर प्रोविजन फॉर इंटरमीडियंट एंड एडिशन ऑफ एंटी फॉर्म कि जब हमें जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे कई बार ऐसे फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं ऊपर की ओर तो ये फॉर्म जब क्रिएट होते हैं तो उससे प्रोडक्ट की जो है उसके भी पर फर्क पड़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है अंदर एयर बबल्स आ जाती है तो ऐसा ना हो इसलिए हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं और कंप्लीटली इस तरह से ही सरफेस रहे थ्रू आउट द प्रैक्टिकल और फिर एक्सपेरिमेंट वो हम ट्राई करेंगे फिर इनोक्यूलम की फैसिलिटी की ये जो न्यूट्रिएंट इन है तो उसी के साथ जो इनोक्यूलम है वो भी आप उसके अंदर इनलेट कर सके इजीली प्लस मेकेनिज्म फॉर बायोमास और प्रोडक्ट रिमूवल की जो नीचे से आउटफुट फॉर प्रोडक्ट है तो वो हो गई मेकेनिज़म फॉर बायोमास की मेकेनिज्म फॉर बायोमास बायोमास इसलिए बिकॉज़ फर्मेंटर का दूसरा नाम है बायो रिएक्टर कि बायो रिएक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट डेवलप होती है उसको हम कहते हैं बायोमास और एक तरह से वो हमारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है फिर सेटिंग ऑफ रैपिड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए स्टराइल एयर की जो स्टराइल एयर है उसको आप इजीली रैपिडली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि स्टीम इन या फिर एयर इन तो जब आप स्टीम ऐड करो तो भी स्टराइल प्रॉपरली एज वेल एज एयर जब आप नीचे से इनलेट करवाते हो कि जब ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो भी प्रॉपर स्टराइल एयर जो है वो उसके अंदर जानी चाहिए फ्री फ्राम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर स्टराइलेयर फ्री फ्रॉम डस्ट और एनी टाइप ऑफ हार्मुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टैंक ऐसी होनी चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे प्रेशर जो है वो हैंडल कर सके एंड लास्ट में एस ऑफ मैन्यूपलेसन तो ये सब बन जाती है आइडियल फार्मेंटर प्रॉपर्टीज मोस्ट आई एम पी क्वेस्चन फॉर एग्जाम मोस्ट आई एम पी क्वेस्चन आगे सीखते हैं अब यही चैप्टर के अंदर कि फॉर्मेंटेशन के अंदर जो हमने जो फॉर्मेंटर की जो अलग अलग पार्ट्स देखे प्रॉपर्टीज देखी तो उसके अकॉर्डिंग टू जब कोई आइडियल फॉर्मेंटर हम बनाते हैं कैसा बनाते हैं हम आइडियल फॉर्मेंटर तो ये जो आइडियल फॉर्मेंटर तैयार होगा तो ये आइडियल फर्मेंटर के अंदर क्या होगा आप अलग अलग उसके पार्ट्स देखे तो ये जो हमने बनाया है वो है एक टाइप का आइडियल तो ये आइडियल फर्मेंटर के अंदर देखिए आप सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट के लिए इनलेट का एक पॉट दिया हुआ है एसिड बेस इनलेट का पॉट दिया हुआ है फिर एक और एक्स्ट्रा पॉट दिया है कि जहां से आप कर सकते हैं सैंपलिंग कि सैंपलिंग की जो फैसिलिटी हमने मांगी थी तो वो भी आइडियल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू तो यहाँ पे, सैम्पलिंग का पॉट है एरेटर की जहाँ से आप एयर ऑक्सीजन वगैरह उसके अंदर इनलेट कर सकते हैं फिर मोटर है तो मोटर से नीचे ये पैडल्स लगाए हैं कि जो क्या कराते हैं एजिटेशन का काम करवाते हैं कि जो एजिटेशन प्रॉपर मिक्सिंग जो हमें करवाना है वो एचीव हो सके उसके लिए ये अरेंजमेंट है फिर जो हमने कंट्रोलिंग की बात की थी कि पीएच कंट्रोलिंग ऑक्सीजन टेम्परेचर कंट्रोलिंग तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे लगाए हुए है सेंसर जब आपको वाटर गर्म वाटर चाहिए तो वाटर जैकेट से हॉट वाटर इनलेट करेंगे और जब आपको कूलिंग की जरूरत है तो आप कूल वाटर इनलेट करवा सकते हैं और फिर नीचे देखिए सबसे पहले नीचे यहाँ पे दिया है आउटलेट तो ये जो फर्मेंटर की जो पार्ट या फिर इस तरह से आपने आइडियल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टी उसके डिजाइन जो है वो डेवलप कर लेगी इस तरह से जो डिज़ाइन तैयार हो गई आपके फर्मेंटर की अकॉर्डिंग टू द इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज की जो आइडियल प्रॉपर्टी जो हमने चाही थी उसी के अकॉर्डिंग टू हमारे जो फर्मेंटर हब बन के तैयार है तो उसके अंदर फर्मेंटर वेसल था टैंक था न्यूट्रिएंट इनलेट था सेंसर फॉर पीएच, हीट ऑक्सीजन वाटर जैकेट प्रोडक्ट आउटलेट स्टरिंग एंड मोटर तो इस तरह से आपको एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करना है और बाजू में उसके अलग अलग पार्ट्स अच्छे से एनलिस्ट करने हैं तो ये वाला डायग्राम भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जो मैंने डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन किया उसके अलग अलग पार्ट के साथ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के अंदर आप ये वाला डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं तो फॉर्मेंटेशन के, के, the के जो अलग अलग साइज के अंदर अवेलेबल होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द साइज दे आर क्लासिफाईज थ्री टाइप बेज ऑन द साइज कि फॉर्मेंटर के जो अलग अलग क्लासिफिकेशन हम देखें फॉर्मेंटर का क्लासिफिकेशन बेज ऑन साइज बेज ऑन द साइज की जो अलग अलग साइज के बेसिस ऊपर जब उसका हम क्लासिफिकेशंस करेंगे फर्मेंटर का तो उसको आप देखिए तो सबसे पहले लॉ लैब स्केल रिसर्च फर्मेंटर की स्मॉल लेबोरेटरी स्केल रिसर्च फर्मेंटर की जिसकी कैपेसिटी है एक से लेकर पचास लीटर की सेकंड है पायलट प्लांट वाला फर्मेंटर की जिसकी कैपेसिटी है पचास से लेकर वन थाउजेंड लीटर तक की थर्ड है वो है लार्ज साइज इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटर कि इंडस्ट्रियल स्केल का जब आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए लार्ज स्केल के फर्मेंटर की जिसकी कैपेसिटी है मोर देन 1000 लीटर तो पायलट प्लांट 50 से लेकर 1000 हजार लार्ज साइज इंडस्ट्रियल स्केल मोर देन 1000 तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं फॉर एग्जामिनेशन फिर से एक बार चेक करो स्मॉल या फिर लैब स्केल रिसर्च फर्मेंटर एक से पचास लीटर एल इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया है लीटर के अंदर तो ये आप याद रखो एल इज इक्वल टू लीटर जो उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी है पायलट प्लांट पचास से लेकर एक हजार और लार्ज साइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो फर्मेंटर है वो एक हजार लीटर से भी ज्यादा है तो अब उसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं तो ये डायग्राम के अंदर आप देखिए कि जो लैब एंड रिसर्च फर्मेंटर है तो यह है उसके लिए जो हम एयर इनलेट करते हैं प्रॉपर स्टराइल तो उसके लिए ये फैसिलिटी कि इसका ये अटैचमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे और अंदर की ओर आ रहा है फिर यहाँ पे अलग अलग उसके कंट्रोल्स कि वहाँ से ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यह है उसका ये वाला पोर्सन उसकी है टैंक और टैंक के साथ ये सब अलग अलग पॉट है कि जो हम बात करते हैं कि पी कंट्रोल के लिए टेम्परेचर के लिए ऑक्सीजन्स के लिए सैम्पलिंग के लिए इनलेट के लिए आउटलेट तो जो भी अलग अलग पॉट्स यहाँ पे उसके सेटअप किए हैं कुछ ऐसे हैं कि ये जो ग्लास मटेरियल यूज़ किया हुआ है टैंक के अंदर तो वो बन जाते हैं कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कि जिसको आप अंदर क्या है वो देख सकते हैं तो यह है ट्रांसपेरेंट फर्मेंटर एंड कुछ स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं कि उसके अंदर आप ट्रांसपेरेंटली नहीं देख सकते तो इसकी कैपेसिटी एक से लेकर पचास लीटर की सो ये वाला फर्मेंटर जो हमने देखा वो है लेबोरेटरी स्केल स्मॉल साइज रिसर्च फर्मेंटर की जिसकी कैपेसिटी रहती है बिटवीन वन टू फिफ्टी लीटर समझो कि ये वाला हम देख रहे थे उसके अंदर शायद थर्टी लीटर जितना कंटेंट आ सके या फिर ट्वेंटी से लेकर थर्टी के बीच में तो वो कौन सी कैटेगरी में होगा तो लैब या फिर रिसर्च स्केल के फर्मेंटर सेकंड है पायलट प्लांट के फर्मेंटर के उससे थोड़ी बड़ी साइज के होते हैं कि आप ये वाला डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये जो फर्मेंटर है वो पायलट प्लांट रिलेटेड फर्मेंटर है कि जो रहते हैं मीडियम साइज के कि जो मीडियम रेंज के फर्मेंटर आते हैं कि जिसकी कैपेसिटी रहती है पचास से लेकर एक हज़ार लीटर के बीच में कि समझो कि ये फार्मेंटर है उसकी कैपेसिटी है थ्री हंड्रेड लीटर तो ये फार्मेंटर को हम कैटेगराइज करेंगे इन पायलट प्लांट फार्मेंटर के अंदर और उसका ये जो टैंक है वो स्टेनलेस स्टील का टैंक हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जो विंडो जैसा देखा है वहाँ से आप जो उसके अंदर जो मटेरियल फीड किया है उसका लेवल भी चेक कर सकते हैं ये बहुत सारे उसके पॉट फिर ये जो हम बात करते हैं कि जो क्लैम्प्स होते हैं, कि ये टैंक प्लस ऊपर का ये उसका कवर तो कवर और उसके बीच में ये जो देख सकते हैं आप ये वाले तो ये सब उसके क्या है क्लैम्प्स है कि क्लैम्प से अच्छे से टॉप एंड बॉटम दोनों को क्या कर दिया जाता है सील कि इससे एयर टाइट प्रॉपर सील हो जाता है ये फर्मेंटर और किसी भी तरह का लीकेज नहीं होता कि जो हमने कहा कि आइडियल फार्मेंटर के अंदर देखा कि इवापोरेशन रेट काफी लो होना चाहिए तो वो ही जो है वो हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं ये फार्मेंटर के अंदर ये है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लार्ज साइज के इंडस्ट्रियल फर्मेंटर की जो है एक हजार लीटर से भी ज्यादा की कैपेसिटी वाले की समझो कि आप ये वाला देखोगे दिस वन तो उसकी हाइट जस्ट आप इमेजिन करिए तो ये जो हाइट है वो एटलीस्ट टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड यहाँ पे फिफ्टी एट लीस्ट इसकी जो फीट है वो पचास फीट जितना होगा फिफ्टी फीट जितनी उसकी हाइट रहेगी और ये नीचे कॉनिकल बेस रहेगा उसका और नीचे से ये रहेगा उसका आउटलेट ये उसका मेन टैंक की जहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी और इसकी जो हम कैपेसिटी हम देखें तो एटलीस्ट पाँच हजार लीटर जितनी कैपेसिटी वाला ये फर्मेंटर होगा कि जिससे अंदर काफ़ी इंडस्ट्रियल स्केल पे लार्ज स्केल पर यूज़ करते लाइक जो बेवरेजिस इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग बियर के प्रोडक्शंस के अंदर वाइन के प्रोडक्शंस के अंदर अल्कोहल के प्रोडक्शंस के अंदर इस टाइप के काफ़ी लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियल फर्मेंटर यूज़ करते हैं उससे थोड़ा छोटा ये वाला आप देखो तो ये एटलीस्ट 10 से लेकर 15 फीट के बीच में होंगे और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी अराउंड 1500 से लेकर 2000 लीटर के आसपास हो सकती है तो ये जो फर्मेंटर है वो लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियल फर्मेंटर कहे जाते हैं सो so, तीनों फर्मेंटर की जो साइज है उसको आपको अच्छे से याद रखना है उसके बाद आगे सीखते हैं सो so, उसके बाद आगे सीखते हैं हम फॉर्मेंटर के अलग अलग कंपोनेंट्स के लाइक उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इन एरेशन एंड एजिटेशन सिस्टम तो एजिटेटर एक है कि जो एजिटेशन करवाने के लिए जरूरी है प्रॉपर मिक्सिंग करवाने के लिए जरूरी है उसके लिए हम स्टरर होते हैं ग्लैंड होते हैं एंड बेरिंग्स होती है एंड बैफल्स ऐसे ही एरेसन के लिए हमारे पास अवेलेबल है स्पार्जर और एजिटेशन करवाने के लिए हमारे पास ये एजिटेटर्स जिसको स्टरर कहते हैं हम बेरिंग्स कहते हैं या फिर बैफल्स तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप के नीचे जो हमारा ये एजिटेटर होता है उसके नीचे ये इस तरह की डिस्क वगैरह लगाई हुई होती है कि वो हमें हेल्प करती है किसके अंदर मिक्सिंग के अंदर एजिटेशन्स के अंदर तो इस टाइप के ये कंपोनेंट्स जो है वो लगाए हुए होते हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर एजिटेशन कि जिससे हम होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो डेवलप कर सकते हैं फिर है एरेशन सिस्टम कि जिसके लिए स्पार्जर्स कि जो एयर सप्लाई का काम करते हैं उनका जो मेन काम है वो एयर सप्लाई करना ड्यूरिंग द फॉर्मेंटेशन उसके बाद सेकंड एरेशन सिस्टम के अंदर स्पार्जर तो आप ये जो देख रहे कि ये ये वाले तो हमने देखा कि ये एजिटेटर किसके लिए जो बैफल्स पैडल्स वगैरह ये लगाए जाते हैं बट एरेसन के लिए जो पाइप पा आती है कि समझो कि ये वाली पाइप पा आ रही है तो ये वाली पाइप के साथ आगे की ओर ये वाला जो अटैच है कि ये जो हम देख रहे हैं उसका ये तीन अलग अलग डायग्राम्स अलग अलग उसके व्यूज से तो उसको नाम दिया गया है स्पार्जर उसका नाम दिया गया है स्पार्जर तो ये स्पार्जर यहाँ पे आगे लगाए हुए थे कि ये जो पाइप है वो लेकर आ रही है एयर अब एयर को बाहर जब लानी है तो प्रॉपर कंट्रोल से एयर बाहर लाएंगे ऐसा नहीं कि ये पाइप कंप्लीटली वहाँ पे हम खुली छोड़ देंगे और पूरा जो एयर है वो डायरेक्टली उसके अंदर एड जो हो जाएगा ऐसा नहीं करना है वहाँ पे भी हम इस तरह की ये डिवाइस जो है वो लगाएंगे कि जो एयर फ्लो को कंट्रोल करेगी एयर फ्लो को कंट्रोल करके प्रॉपर मैनर के अंदर एयर जो है वो प्रॉपरली फर्मेंटेशन इन मीडिया के अंदर फैलाने का काम करेगी तो पोरस टाइप के स्पार्जर होते कि ये जो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये आपको पोर्स जैसा देखने को मिलेगा तो वो पोरस फिर ये जो ये वाला जो पोर्शन है वहां पे पाइप अटैच हो जाती है ये वाला पोर्शन दिया है वहां पे पाइप और ये वाला जो बाघ है वो बाहर की ओर रहता है तो पोरस होते हैं ओरीफिस वाले होते हैं एंड थर्ड इज द नोजल टाइप के भी स्पार्जर प्रेजेंट होते हैं कि डिवाइस दैट इंट्रोड्यूस द एयर इनटू द मीडियम की जो फर्मेंटेशन मीडियम जो यहाँ तक या ऊपर की और जो वरा है तो उसके अंदर जो हमें एयर जब इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हम ये फर्मेंटर के लिए एयर के लिए ये स्पार्जर जो है वो यूज़ करते हैं नेक्स्ट है अब उसकी समरी देखते हैं कि जो फर्मेंटर की जो मेन हार्ट है फर्मेंटेशन का प्रोसेस का उसके बाद एरेसन एजिटेशन के लिए सिस्टम की जो इम्पेलर्स हम कहते हैं बैफल्स स्पार्जर स्टरर एंड ग्लैंड एजिटेटर का काम है प्रोवाइड एजिटेशन एंड हेल्प इन मिक्सिंग प्लस इम्पेलर स्पिन मीडियम इन सर्कुलर रोशन की स्पिन करवाता है मोशन करवाता है सर्कुलरली बैफल्स कि जो मेटल स्ट्रिप से कि जो अटैच होती है विथ वॉल एंड स्पार्जर जिसका काम है इंट्रोड्यूस द एयर इनटू द फार्मेंटर उसके बाद ये भी हमने डिटेल में सीखे हैं कि टॉप प्लेट क्लैम्प फिर सील होता है सील जो है वो टॉप प्लेट और जो वेसल है उसको एयर टाइटली कर देता है सील जिससे कोई लीकेज ना हो इवापोरेशन रेट डिक्रीज हो जाए क्लैम्प वेसल ड्राइव मोटर ड्राइव साफ्ट इंपेलर बेफॉल्स पार्जर एग्जिट के लिए इनोक्यूलम के लिए फीड पंप, सिरिंज पंप, तो ये सब ऑलरेडी हमने आगे एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर लिए है कंपोनेंट्स, उसके बाद ये अलग अलग सेंसर कि हीटर पेड हीटिंग के लिए ऑक्सीजन का सेंसर पी के लिए फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है नहीं तो उसको चेक करने के लिए उसको सेंस करने के लिए फॉर्म प्रोप दिया जाता है पी टी हंड्रेड टेम्परेचर का सेंसर है कोल्ड फिंजर तो उसका जो काम है आफ्टर डायरेक्ट हीटिंग यूज टू कूल द वेसल कंटेंट कि उसको वेसल जो गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए कोल्ड फिंजर यूज़ करते हैं रोटामीटर भी अटैच होता है कि जो फ्लो मीटर का, का काम करता है प्रेशर वाल होते हैं एयर पम्प्स एंड पैरस्टालिक पम्प कि जो अलग अलग मूवमेंट्स वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं तो ये था डिजाइन ऑफ ए आइडियल फर्मेंटर उसके पार्ट्स उनके फंक्शन तो इफ यू लाइक द कंटेंट मस्ट शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट फर्मेंटर के अंदर हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फर्मेंटर के टाइप्स हम हम आगे सीखेंगे कि सरफेस फर्मेंटर की जो दो टाइप के हैं ट्रे फर्मेंटर एंड पैकेट बेड कॉलम फर्मेंटर के जिसके अंदर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन मीडिया जो है वो यूज़ होता है कि जिसके सरफेस के ऊपर फर्मेंटेशन होता है और सेकंड है सबमर्जन फर्मेंटर जो होते हैं कि जिसके अंदर सबमर्स टाइप का फर्मेंटेशन मीडिया यूज़ होता है लिक्विड मीडिया यूज है कि लाइक फैड बेस्ड फर्मेंटर एयरलिफ्ट बबल फर्मेंटर साइक्लोन कॉलम टावर फर्मेंटर एंड अदर फर्मेंटर्स तो ये सभी को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे ऑफ दिस फर्मेंटर टिल द so whatsapp to join our whatsapp group send your name city name and whatsapp it to nine four two six one eight zero eight three six to join pharma Rocks whatsapp groups so message to join on this group on whatsapp subscribe the channel press on the bell icon never miss any video of Farmerox. also download their pharma ox android app on google play and apple iphone app on app store so links are given in a description box so good luck and all the best for examinations.